चाची जी कहाँ गई? पल्लवी आई मम्मी जी। बाल बाल बच गए। अगर पल्लवी ने ये कागज देख लिए होते ना तो लेने के देने पड़ जाते। ये ले पेपर, दुकान जा और ताऊ जी से साइन करवा ले जा। अरे जा ना, जाएगा नहीं तो फिर साइन कैसे करवाएगा? जा जा जा। अरे माँ टेंशन हो रही है, कैसे लूं ताऊ जी से साइन? और आप बिना पप्पी से, आप बिना पप्पी को प्रॉमिस कराए हो, फंस गए हैं हम लोग। अरे बिल्कुल नहीं फंसे हैं, कुछ नहीं होगा। देख आजकल ना अपनी किस्मत की लाठी एकदम चमक रही है। तू बैठ बैठ बैठ। लेकिन मां धोखा ताऊ जी को? तो फिर जा हरिश्चंद्र की तरह सब सच बोल दे, जा। अच्छा ठीक है मां, मैं करवाता हूँ ताऊ जी से साइन। लेकिन आप पापा के साइन ले लोगे? अरे उनकी चिंता तुम मत करो, उनसे मैं साइन करवा लूंगी। तू बस अपने ताऊ जी से साइन करवा ले, हाँ? फिर देखना, फिर सब मौजा ही मौजा। मॉल में होगी अपनी दुकान। मैं क्या कहती हूँ, ले गया तो हम एक फ्लैट भी देख लेते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में बन रहे ना नए फ्लैट्स, बड़ा सा फ्लैट। फ्लैट के आगे बालकनी, बालकनी के आगे समंदर तो है नहीं, यहाँ खुली हवा, अच्छा लगेगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है हाँ। चलो चल के होली के मजे लेते हैं, तुम गई नहीं अभी तक, चलो साथ में चलते। राकेश कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा गुजिया खा लूँ। गुजिया इज माय फेवरेट, मुझे होली गुजिया की वजह से ही पसंद है। क्या ये? I don't know. मतलब ये मेरी जगह पे तुमने अपनी फोटो लगाई है? ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। बताओ क्या है तुम्हारे मन में? मन में जो है वो सुन पाओगी? तो सुनो, तुम लायक नहीं हो राकेश के। आई एम परफेक्ट फॉर हिम, और ये बात अब वो भी समझने लगा है, प्यार करने लगा है वो मुझसे। और सच सुनना चाहती हो? वो चोरी चोरी मुझसे मिलता है तुम्हारी पीठ के पीछे। और मिले भी क्यों ना, आई मीन लुक एट योरसेल्फ, देखो खुद को, सो बोरिंग। आई मीन किसी भी एंगल से बोरिंग बोरिंग बोरिंग। तो फिर क्यों टॉलरेट करे वो तुम्हें, जब उसके पास मैं हूं, जब उसे मैं मिल सकती हूं। जस्ट लुक एट दिस, आई एम जस्ट परफेक्ट फॉर हिम। मुझ में वो सब कुछ है जो राकेश को चाहिए। आई एम हॉट, आई एम गुड लुकिंग। देखो ना तुम्हारी फोटो हटते ही मेरी फोटो आते ही सारी फोटो कितनी सुंदर लगने लग गई। इसीलिए राकेश भी मुझ में इंटरेस्ट लेता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राकेश ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसे है ही नहीं। वेल You know what, Tanvi? तुम ना बोरिंग के साथ साथ डम भी हो। खुद ही सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो राकेश तुमसे झूठ क्यों बोलता?
कि उसकी शर्ट पे लगे हुए लिपस्टिक के मार्क्स मेरे हैं। मैंने ऐसे ही कोई कहानी सुनाई और तुमने मान भी ली, जबकि राकेश ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। लो, जाओ पूछ लो जाके राकेश से। वेल, इसका तुम क्या ही करोगी, ये मैं रख लेती हूँ। तुम जाके अपने आंसू पोंछो। हैप्पी होली। अपने ना कॉल किया ना मैसेज किया, आज पहली होली है मेरी, आज तो एटलीस्ट सब कुछ भूलकर एक मैसेज कर सकते थे ना। पता नहीं क्या चल रहा है उनके मन में। हैप्पी होली। आकाश, हैप्पी होली। हमारी पहली होली, मुबारक हो मिस बीवी साहिबा। आपको भी मुबारक हो मिस्टर हस्बैंड। इसे क्या देख रहे हो आकाश? ये देख रहा हूँ कि अच्छी किस्मत किसे कहते हैं। अच्छा? मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? अभी बताता हूँ। वो पानी का टब देख रही हो? आ जाओ। रात को सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए थैंक यू। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। कोर्स। जस्ट नो, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे हमारी पहली होली है आकाश, और पापा ने एक मैसेज तक नहीं किया। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेबी तुम ज्यादा हो। पल्लवी बेटा, बाहर मोहल्ले में होली खेलने वाले बहुत लोग हैं, तो हमारे घर से भी स्नैक्स जाने चाहिए ना। जी मैं वही तैयार कर रही थी, बस अभी ट्रे में लेके आती। और आकाश तू जाके सबसे होली मिल ले, पापा दुकान पे गए हैं, वहाँ भगवान जी को गुलाल लगाकर छोटी सी पूजा कर फिर आएंगे। ठीक है, हम आते हैं, दोनों साथ में मिल लेंगे। तुम ठंडाई उठा लो। ओके। हैप्पी होली पल्लू। मैं भी क्या सोच रहा हूं, तीन तीन शादीशुदा बेटियों की बाप की घर की होली कैसी होगी? ऐसी तो होगी सूधी सी, पर नहीं। सुनी जयदेव जी, आज खुशियों का दिन है, खुशियां मनाएंगे। क्यों आस्था जी, पल्लो दीपू तन्नु हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुजिया खाते हैं पल्लू के हाथ की बनी हुई। वही मिठास, वही स्वाद, पल्लू तुम्हारे हाथों का कमाल है, कमाल। खुश है बेटी, तेरा पापा भी खुश है।
बहुत खुश है। हेलो जी, हैप्पी होली। अरे काहे की हैप्पी होली जयदेव शर्मा, हमारा यहाँ होली के दिन मातम बन रहा है, मातम, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे तुमने लूट जो लिया है हमें, बर्बाद कर दिया मुझे। कैसी बातें कर रहे हो साहब, इस उम्र में ये सारी चीजें करूंगा मैं? अरे पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी की रोटी कमाई है। ये जो रोटियों पे घी चिपड़ चिपड़ के खा रहे हो ना, हजम नहीं होगी। ऐसे ही किसी का घर जो बर्बाद कर रहे हो तुम। देखिए ये ऐसी बात नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं जो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ मुद्दे से मतलब है। अगर ईमानदार हो तो ईमानदारी से मेरे पैसे वापस करो। मुझे तुम्हारी मीठी बात नहीं सुननी है। कुछ दिन प्लॉट पे भी ऐसे मीठी मीठी बात करके घुमा के भाग गए। नहीं नहीं साहब, मैं कोई घुमा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। जयदेव जी, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा किसी का भी। या तो मेरे पैसे वापस करो और ये मैटर निपटाओ, या फिर देख लेना, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। गुप्ता जी, होली का दिन है, मैं माँ ने कहा था इनवॉइस के बीच में पप्पी वाले पेपर डाल दो, ताऊजी बिना देखे साइन कर देंगे। ताऊजी को धोखा देने जा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ये सब कुछ सही नहीं है। ताऊजी। हाँ बेटा, क्या? तू घर के माहौल को लेके टेंशन में है ना? जी 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 ताऊजी। याद है जब तू छोटा था तो मैं तुझे कंधे पर बिठा कर ले जाया करता था, मुझे पान खाने का शौक था और तेरे लिए मैं एक छोटा अलग से मीठा पान बनवाता था। बेटा वो यादें हम नहीं भूल सकते, ना ही तू और ना ही मैं। जहां तक घर की बात है तो जब घर में दो बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है। तू और आकाश दोनों मेरे लिए एक हो, तो ऐसे ही मेहनत करता रहे, आगे बढ़ता रहे, और जिंदगी में अगर कभी भी प्रॉब्लम हो ना तेरे ताऊजी हैं। हम ताऊजी वो कुछ पेंडिंग बिल्स हैं उस पे साइन करवाने थे आपके। ओह अच्छा, अरे वाह। कम ऑन ताऊजी, बस अंदर मत देखना। बेटा ये जो सब चल रहा है ना ठीक नहीं है। क्या ताऊजी, क्या ठीक नहीं है? अरे वही जो पिछला वेंडर था, गड़बड़ था ना वो। अभी हम नए सिरे से बैठ के बात करते हैं कि हम दुकान को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो तेरे मन में क्या है, तेरे प्लान क्या है, ये सब तू बताना, बस एक बार ये होली निपट जाने दे। जी जी ताऊ जी, मैं सोचता हूँ, आप साइन कर दीजिए ना। हाँ हाँ। अरे तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं, एसी चला ले। नहीं नहीं ताऊ जी, मैं ठीक हूँ अभी, क्या जल्दी वैसे भी घर जाना है तो एसी की जरूरत नहीं है। क्या ले? आ गया। इसी तरह लगन से और मेहनत से काम करता रहे। चल चल के होली मनाते हैं, आ जा। जी ताऊ जी। ताऊ जी के साइन तो हो गए, बस माँ पापा के साइन ले ले तो बात बन जाए। रह गया रवि,
वो आए तो मैं उसके पापा के साइन लेने का जुगाड़ शुरू करूं। तनु दी से बात करके देखती हूँ, शायद उनकी बात हुई हो पापा से। पल्लू को जानवी और राकेश के बारे में बता के परेशान नहीं करना चाहिए, अभी उसकी भी पहली होली है। हैप्पी होली पल्लू। ओह थैंक गॉड तनु दी, आपने फोन उठा लिया। हैप्पी होली। आपकी बात हुई क्या पापा से? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहे, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं। बात तो नहीं हुई, मैं करूंगी अभी उन्हें। ओके दी। और कैसी चल रही है आपकी होली? राहुल तो बहुत मजे कर रहा होगा ना? और जीजू सो के उठे हैं अभी तक या नहीं? सही कह रही है तू, राकेश अभी तक सो रहे हैं और बाकी तो सब बिल्कुल ठीक है। तू बता। हाँ हाँ दी सब ठीक है, मैं तो बस। अरे पल्लवी देख के बेटा क्या कर रही हो? सॉरी मम्मी जी। फोन से ध्यान हटेगा तभी तो समझ पाओगी कि आसपास क्या हो रहा है, बाद में बात कर लेना बेटा। सॉरी मम्मी जी। तनु दी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। माइके के चोचले खत्म ही नहीं होते इस लड़की के। आकाश क्या हो गया? साइन हो गया? हो गया। हो गया? तेरा काम हो गया, अब मेरा काम शुरू। मैम कैसे कराओगी पापा से साइन? कुछ सोचा है आपने? आपकी बात तो नहीं रही है पापा से। और वैसे भी वो देखो होली खेलने में बिजी हैं। अभी एक कुरियर वाला आने वाला है, तेरे पापा के नाम का कुरियर लेके, जो कि मैंने मंगाया है। बिल पे साइन करवाते करवाते इन कागजात पर उनसे साइन करवा लूंगी। कौन सा सिग्नेचर लेने हैं पापा? वैसे तो मैंने अपनी साइन की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बाद में दिखाना बेटा, अभी होली खेलते पहले। हाँ। आजा 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 आजा। ओहो कहाँ रह गया ये कुरियर वाला? मिस्टर अवस्थी, मिस्टर सुभाष अवस्थी। याओ, याओ, याओ। उनका पार्सल है। हाँ, हाँ। मैं साइन ले लूंगी। इनको इतनी हड़बड़ी साइन करवाने की? सुनिए आपके नाम का कुरियर आया है, बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। कुरियर? हाँ। मैंने तो कोई कुरियर मंगवाया नहीं है। अरे आपने तेल मंगाया था ना, कुरियर लेकर आया है ना, साइन कर दो। कौन सा तेल? मैं बहुत तेल। एक काम कर, वापस भेज दो उसको। कर दूंगा। अरे अब होली के दिन वो आया है यहाँ पे, ऐसे कैसे उसे वापस भेज दूँ? कर दीजिए ना साइन। तो फिर 100 रुपया दे उसको, हैप्पी होली बोल और वापस भेज दे। वापस कर दे, खत्म। अरे दादी खेलो ना मेरे साथ होली। अभी नहीं, बाद में जाओ। सारू खेलो ना मेरे साथ होली, कोई नहीं खेल रहा मेरे साथ होली। हाँ आता। हाँ, अभी जाओ बाद में। और तुम भी यार इसके ऊपर चिल्ला रही हो तुम, होली के दिन तो मीठा बोलो उससे। अरे अब कुरियर वाला खड़ा है, वो काम निपटू की होली खेलो, आप भी ना। और आज तक कभी मैंने रंग लगाया है क्या? काम करना, तू ही साइन करके ले लेना। रिंकू 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 हुए साइन? नहीं ना, किसी काम के नहीं तेरे पापा। नहीं मगर तू टेंशन मत ले, मैं करती हूँ कुछ, मैं करती हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे रवि के पापा बिना कुछ बोले पेपर पे साइन कर दे। अब
बाजपेयी से बात कब होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी कहिए। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने क्यों? आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई है, धोखाधड़ी की, एक हस्बैंड और वाइफ ने की है। पल्लवी शर्मा, आखिर मैंने तुम्हारे दोनों घर तोड़ी दिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.